ये केस साउथ कोरिया के सबसे चर्चित केसेस में से एक था, जिसने लोगों में गुस्सा और आक्रोश पैदा करके रख दिया था। लोगों ने इंटरनेट पर मुजरिमों की जमकर आलोचना की। आगे चलकर इस केस पर कई कोरियन फिल्में भी बनी, जिनमें से सबसे पॉपुलर थी 2013 की फिल्म हैंग गोंग जू, और इस केस को कोरियन क्राइम ड्रामा सीरीज सिग्नल के एक एपिसोड में भी दिखाया गया था। आज बात करेंगे एक 14 साल की नाबालिग लड़की की गैंग रेप की, जिसे मिरयांग गैंग रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। 14 साल की चोय साउथ कोरिया के उलसान शहर में रहती थी। जून 2003 में चोय की मुलाकात पार्क नाम के लड़के से इंटरनेट पर होती है। कुछ समय तक दोनों के बीच लगातार चैटिंग होती रहती है और जनवरी 2004 में पार्क ने चोय को अपने शहर मिरयांग मिलने बुलाया। एक 14 साल की बच्ची को कहां पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। मासूम चोय बिना कुछ सोचे समझे पार्क से मिलने चली जाती है। चोय जैसे ही पार्क के घर पहुंचती है, वो उसके सर पर एक लोहे के पाइप से हमला करता है। चोय वहीं बेहोश हो जाती है। पार्क उस वक्त अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके 11 और दोस्त भी मौजूद होते हैं। ये सभी लड़के एक बदमाश गैंग का हिस्सा हुआ करते थे, जिसका काम था उस इलाके के मासूम स्टूडेंट्स की रैगिंग करना और उनसे पैसे लूटना। पार्क और उसके साथी मिलकर बेहोश चोय को घसीटते हुए बेड पर ले जाते हैं और बारी बारी से उसका रेप करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी इन घिनौनी हरकतों को कैमरा और फोन पर रिकॉर्ड भी करते हैं। चोय पूरी तरह लाचार हो जाती है। पार्क और उसके दोस्त वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकियां देते हैं, जिसके डर से चोय किसी से कुछ भी नहीं कह पाती और रेप का ये सिलसिला अगले एक साल तक चलता रहता है। वो उसका पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क्स और टेनिस कोर्ट में भी रेप करते हैं और अपने मजे के लिए उसके साथ मार पिटाई भी करते हैं। वो चोय के प्राइवेट पार्ट्स में तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स भी इंसर्ट करते हैं। वो चोय को अपनी 13 साल की बहन और 16 साल की कजिन को भी साथ लेकर आने को कहते हैं, जिनके साथ भी वही सलूक किया जाता है। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि चोय के रेप की वो वीडियो, जिसका उसे इंटरनेट पर अपलोड हुए जाने का डर था, वो तो पहले ही अपलोड हो चुकी थी। फिर क्या वजह थी कि कोई भी इस मासूम सी बच्ची को बचा नहीं पाया। चोय का बाप एक शराबी था और वो आए दिन नशे में अपनी बीवी पर हाथ उठाता था, जिसके चलते वो उसे छोड़कर चली गई थी। आखिर बेचारी चोय अपने दिल का हाल किससे बयां करती, क्योंकि जिस पिता का काम था उसको जमाने से बचाना, वो खुद ही रोज उसकी पिटाई किया करता था, ठीक उसी तरह जैसे पार्क और उसके दोस्त करते थे। चोय ने एक बार नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की। हॉस्पिटल में चोय को होश आया, पर उसके बदन पर तरह तरह के निशानों को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले एक साल में उनके साथ क्या क्या हुआ था। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक उस साल लगभग 44 लड़कों ने चोय के साथ रेप किया था। 25 नवंबर 2004 के दिन चोय की आंटी इस बात की पुलिस में रिपोर्ट करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आती है, वो ये कि पार्क और उसके दोस्तों ने सिर्फ चोय का ही नहीं, बल्कि 5 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियों का रेप किया होता है। जेल में सजा काटने पर शायद पार्क और उसके दोस्त उधर जाते, पर अफसोस ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये खबर फैलते ही लोगों में आक्रोश बढ़ गया। पुलिस ने भी मुजरिमों को मिरयांग शहर की रेपुटेशन को बिगाड़ने की वजह से काफी खरी खोटी सुनाई। देखा जाए तो पुलिस ने इस केस को बड़ी ही लापरवाही से हैंडल किया। अब तक चोय और उसके मुजरिमों की आइडेंटिटी मीडिया में रिवील हो चुकी थी। चोय को पार्क और उसके दोस्तों के माँ बाप से धमकियां मिलने लगी। जब उसे पूछताछ के लिए महिला पुलिस ऑफिसर की मांग की, तो पुलिस ने भी उसे नकार दिया। पुरुष पुलिस अधिकारी चोय के साथ बड़ी ही बदतमीजी से पेश आए। वो चोय और उसके मुजरिमों को एक ही रूम में बैठाकर सवाल जवाब करते। उन्होंने चोय से ये तक पूछा कि क्या तुमने तो लड़कों को ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया। पुलिस ने हर लड़के को उसके सामने बिठाकर ये पूछा कि क्या तुमने इसका रेप किया था। आखिर पुलिस इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है। जरा सोच कर देखिए इस लड़के को उस समय कैसा महसूस हुआ होगा। सारा समाज, यहाँ तक कि उसके अपने पिता ने भी उसे जलील किया, जबकि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। चोय शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी और इन सब से वो अपना मानसिक संतुलन भी खो रही थी। उसे कई बार अपनी जान लेने की नाकाम कोशिशें की, जिसके बाद उसे एक साइकाइट्रिक वार्ड में भर्ती करा दिया गया। पर साइकाइट्रिक वार्ड में भी उसे किसी ने चैन से रहने नहीं दिया। मुजरिमों के माता पिता ने चोय के पिताजी के आगे 50 मिलियन वॉन लेकर केस को रफा
रफा दफा करने की डिमांड रखी और उसके पिता के मन में पैसों को लेकर लालच भी आया। वो मुजरिमों के माता पिता के साथ अक्सर चॉय को धमकाने जाया करते थे ताकि वो पिटीशन पेपर्स पर साइन कर दे जिनमें कोर्ट से मुजरिमों के साथ नरमी बरतने की अपील की गई थी। चॉय के बाप और उसके रिश्तेदारों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया था। उन पैसों में से एक भी रुपया चॉय के इलाज पर खर्च नहीं हुआ। चॉय ने स्कूल में फिर से एडमिशन लेने की कोशिश की पर कोई भी स्कूल एक रेप विक्टिम को एडमिशन नहीं देना चाहता था। जैसे तैसे चॉय का स्कूल में एडमिशन हुआ पर उसे वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा क्योंकि मुजरिमों के माता पिता उस पर वहां भी आकर पहले के पेपर्स पर साइन करने का दबाव बनाने लगे। तो आखिर उन 44 लड़कों का क्या हुआ जो इस केस के मुजरिम थे? नाबालिग होने की वजह से उनमें से कईयों को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया और कईयों पर से तो सारे आरोप ही हटा दिए गए। 44 में से सिर्फ 10 लड़कों को मुख्य आरोपी करार दिया गया। कोर्ट ने इन्हें सिर्फ 2 से 4 साल के जेल की सजा सुनाई जिसमें से ज्यादातर वक्त इन सब ने जमानत पर जेल के बाहर ही बिताया। कोर्ट इस केस में कोई सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि सभी मुजरिम नाबालिग थे और दूसरा क्योंकि पीड़ित लड़की के पिता मुजरिमों के माता पिता से सेटलमेंट की एक मोटी रकम ले चुके थे। कुल मिलाकर उन 44 लड़कों में से किसी को भी कड़ी सजा नहीं हुई। इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।